हाँ बाथरूम वाला एग्जॉस्ट लगा के दिया है ये अभी फाइनली अपना सामान सारा निकल रहा है इतनी तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रही जितना मैं आज बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है ना कि मेरी सुबह सुबह नींद खुल गई मतलब 7:30 बजे आई वॉज अप एंड वेक हाँ वेक एंड अप एंड वेक जो भी है सबसे पहले चल रहे हैं अपन साइट पे एक बार जाके ना वहाँ का प्रोग्रेस चेक करें और उसके बाद अपने को निकलना है नेहरू प्लेस। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह तो कुछ नहीं किया है मैंने कहा सुबह सुबह उठ के एक बार चल लेते हैं और फिर जाके वहाँ पे चेक योर टायर प्रेशर एट योर कन्वीनियंस। भाई अपना टायर प्रेशर कम है आइडियली आगे 2.7 बार्स होना चाहिए और पीछे भी 2.7 बार्स होना चाहिए। अब बार्स को ना PSI में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बार्स को PSI में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भैया को बताएंगे क्या कि भैया कितना PSI भरो। चलो पहले चलते साइट पे फिर ले लेंगे इसमें पेट्रोल और फिर ले लेंगे इसमें हवा डलवा लेंगे मिला जुला के ये भी काम ही आ गया। आज तक जब से मैंने मतलब ऑलमोस्ट 4,000 किलोमीटर हो गए इस गाड़ी को एक बार भी मैंने टायर प्रेशर नहीं चेक करवाया मतलब जितना प्रेशर पे आया था ना उतने भी चल रहे हवा नहीं निकलता है। रन फ्लैट टायर की ना ये खासियत है यार। भाई दो व्लॉग पहले मैंने बताया था कि मुझे ना एक वीडियोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर मतलब वीडियो एडिटर एंड सिनेमेटोग्राफर चाहिए तो बहुत सारे रेज्यूमेज आए हैं मेरे पास मैंने सारे रेज्यूमेज आगे फॉरवर्ड कर दिए तो अब मेरे को ना भाई इसके अलावा भी मुझे चाहिए एक वर्कशॉप मैनेजर ठीक है जो पूरे वर्कशॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसपे हो मतलब उसको ड्राइविंग और गाड़ियों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा मुझे चाहिए एक एक्सपीरियंस्ड पेंटर ठीक है पेंटर अपने पास और है बट अपन ना एक्स्ट्रा मैन पावर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लेके चल रहे हैं एंड अपने को चाहिए एक फिटर आपको पता है अगर आप इस फील्ड से होना तो आपको पता है कि फिटर क्या होता है और पेंटर क्या होता है बाकी एक वर्कशॉप मैनेजर। तो अगर आप में से कोई भी ये है या फिर आपके जान पहचान में कोई भी आपका फ्रेंड आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी इसमें एक्सपीरियंस्ड है तो प्लीज़ इस ID पे उनका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देना मेरे को। भाई पावर डलवा रहे इसमें पावर 95 हाँ ठीक है भैया 103.68 मतलब ये महंगा है यार ऐसे नॉर्मल पेट्रोल कितना है भैया 97 ना। इसका जो ऐप भी है ना भाई बड़ा फास्ट अपडेट होता है इमीडिएट आता है वन इशू देखो इसमें प्रेशर हो गया तुरंत अपडेट हो गया। अपना ये पत्थर वत्थर तो आ गया था हाँ ये पता नहीं कहाँ लगेगा ये भी आ गया था बट अभी कुछ हो नहीं रहा यार हाँ अभी तक कोई आया नहीं क्या मूड ही खराब हो गया यार मैं सुबह सुबह पहुँचा और वहाँ पर कुछ काम ही नहीं हो रहा था इनफैक्ट कल भी मैं गया था एंड कल भी तो लंच टाइम पे गया था तब भी वहाँ पे कोई नहीं दिखा था मतलब मिला जुला के अपन चाह रहे हैं कि इसको जल्दी ओपन करें और यहाँ पे ना प्रॉपरली सीरियसली ऐसा लग रहा है बहुत ढीला काम हो रहा है यार बहुत ढीला काम। चलो अभी तो वापस घर चलते हैं नेहरू प्लेस निकलना है अपने को अभी रेडी होंगे जाके नहाए वहाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद नेहरू प्लेस जाएंगे। लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप चाहिए अपने को जो वीडियो एडिटर और इसके लिए कह रहे हैं ना तो उसके लिए एक प्रॉपर एडिटिंग वाला डेस्कटॉप सेटअप चाहिए तो वो आज जाके चेक करेंगे अगर और अभी सीरियसली इसको यहाँ पे लगाओ यार तुम बंद हो जाओ गुरु। ओ भाई अभी क्या धूप है तुरंत पसीना मतलब आपको पसीना नहीं दिख रहा होगा बट मेरे को पता चल रहा है फील हो रहा है। सुपर कंप्यूटर की सर्च हमें तो सुपर कंप्यूटर चाहिए ना हाँ नासा जा रहे हैं ना चश्मा पहन लो बहुत ज़्यादा धूप है। इस वीडियो के लास्ट पे ना मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा हाँ इस वीडियो के लास्ट में ही दूंगा क्योंकि अभी दे दूंगा तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा ना आप वेट करो बट याद रहेगा मेरे को तो जरूर नहीं याद रहेगा मेरे को। अब जब मैं जिमनी चला रहा था ना उस दिन सौरभ भाई वाली तो यहाँ से ऐसे छूता था ना तो मेरा ना वो दूसरे साइड ना टच हो जाता था मतलब वो विंडो ना मैं इजिली एक्सेस कर सकता था इतने आराम से और अभी देखो मतलब ये BMW ना उतनी चौड़ी नहीं है मतलब फॉर्चुनर जितनी चौड़ी नहीं है बट फिर भी बहुत दूर है यार ऐसे झुकना पड़ता है आगे जाना पड़ता है और यहाँ पे ना ये वाला चीज़ हाथ में नहीं लगता तो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है यार जिमनी और जिमनी को लेके ना बहुत कन्फ्यूजन। देखो डैड ने ओके कर दिया अभी मैं बहुत सारे पैसे मेरे जो भी सेविंग्स है ना वो नए स्टूडियो में लग रहा है मतलब उसमें बहुत सारा काम है और उसी चीज़ के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ कर रहा हूँ कि हाँ ये वाला कर लेते हैं आज ये वाला कर लेते हैं ताकि जब अपना इनॉग्रेशन और जब अपना ओपनिंग का टाइम आए ना तब अपने पास इतना ज़्यादा भसड़ नहीं रहे कि अच्छा ये छूट गया वो छूट गया तो डेली कुछ ना कुछ टाइम मैं उस पर लगा रहा हूँ प्लस जब टाइम लग रहा है तो पैसे भी लग रहे हैं। तो अभी मिला जुला के ना मैं अर्जेंसी नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई हाँ मेरे को इमिडिएटली जिमनी चाहिए।
भाई तो फिलहाल अपन पहुंच गए एशियाज बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नेहरू प्लेस। यहाँ पे ना अपने को बहुत सारी चीज़ें देखनी है, एक तो सीसीटीवी के लिए कैमरास देखने हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, और हमें देखना है यहाँ पे क्या देखना है, हाँ डेस्कटॉप देखना है, तो डेस्कटॉप के लिए भाई हमारी हेल्प करेंगे। आज मार्केट में ज़्यादा खाली नहीं लग रही है? हाँ, अदरवाइज तो इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है। आज देखो चलने की जगह दिख रही है यहाँ पे, नॉर्मली चलने की जगह नहीं रहती है। भाई ये छोटा सा स्पेसिफिकेशन है जो हमने डिसाइड किया था कि ऐसे, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम नासा के लिए कंप्यूटर नहीं बना रहे, हम अपने एडिटिंग के लिए बना रहे हैं, तो ये स्पेसिफिकेशन सॉरी ज़्यादा ना हाई फाई हो जाएगी और प्राइस भी हाई फाई हो जाएगा, तो इसलिए हम इस स्पेसिफिकेशन से थोड़ा सा नीचे वाला लेंगे। भाई हम आ गए वेयर हाउस में और अभी अपना सारा जितना सामान है ना, जो कैबिनेट वगैरह है वो सारी चीज़ें चेक करेंगे और इसको फाइनली कर देंगे, फिर जो प्राइस आता है जो लगवाते हैं वो आपको बताते हैं। ये कैबिनेट अलग रहेगा, मतलब ये इसमें अलग रहेगा। अब देखना है कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, हमें ग्राफिक कार्ड मतलब इस सिस्टम में ना जो पैसा है वो ग्राफिक कार्ड का पैसा है, बाकी सब फ्री है। ग्राफिक कार्ड ही मुझे याद है शायद 40 के हिसाब से ग्राफिक कार्ड लगा दो। मेरा तो ऐसा है वो मैं पैसे को इंस्टॉलमेंट में दिए थे मैंने आपको दिए। अच्छा ये कैबिनेट है भाई, दो ऑप्शंस अपने पास हैं, एक तो ये है जिसका थोड़ा सा छोटा साइज है, बट इसमें सामान आ जाएगा ना कि बाहर रखना पड़ेगा आधा? अच्छा आ जाएगा, इसमें भी पूरा सामान आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, बस इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है। मतलब ये डिफेंडर है या जिमनी है? प्राइस का डिफरेंस वैसे उतना नहीं है, ये 5,000 का है वो 8,000 का है। ग्रीन कलर की, हाँ तो इसको पेंट करवा देंगे ना भाई। एक और ऑप्शन देख रहे हैं हम, मतलब उससे थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा, और देखते हैं ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर जो सामान है ना उसका प्राइम। अच्छा ये तो इसमें बड़े पंखे लगे हैं, एग्जॉस्ट लगा के दिया ना? हाँ बाथरूम वाला एग्जॉस्ट लगा के दिया है, पकड़ लगो सही है। आई थिंक दिस लुक्स डिसेंट एंड एलिगेंट। काम तो ऐसा नहीं है ना कि ये ज़्यादा अच्छा करेगा, ये ज़्यादा इनमें कोई काम नहीं है, इनमें कोई काम नहीं है ना। हाँ ठीक है, आई थिंक आई विल गो विद दिस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पंखा है। भाई फिलहाल ना अपने डिसाइड कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो रजत भाई से बात करा रहे हैं कि क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें जो कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है वो डिसाइड करा, तो ये तो फिलहाल मदरबोर्ड है, बट जो सबसे महंगा चीज़ है ना वो ये है, ये ग्राफिक्स कार्ड जो हमने फाइनल किया है वो ये किया है, और इसका जो टोटल हमें आ रहा है वो 126। इसमें अभी इसमें हमने दो चीज़ें इंक्लूड नहीं की है, एक तो हमने इसमें वो मॉनिटर इंक्लूड नहीं किया, तो 15,000 रुपये मॉनिटर का इसमें ऐड कर लो, ठीक है, तो मतलब 140,000 के आसपास का अपना पूरा सिस्टम बैठेगा, 140,000 के आसपास। ये जो सामान देख रहे हो ना ये अभी फाइनली अपना सामान सारा निकल रहा है, और ये प्रोसेसर मैंने i7 12th generation ही लिया है, और ये अभी सामान निकलेगा, 1 घंटा लगेगा इसको असेंबल होने में, सारा रेडी होने में, फिर गाड़ी तक तो पहुंच जाएगा ना चल के, इसमें अभी पैर भी लगाएंगे उसका बिल एक्स्ट्रा रहेगा, फिर ये कहीं भी चल के जा सकता है। चार पैर लगेंगे? अच्छा जानवर, मुझे लगा इंसान, हम तो सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, 2 और लगा दो भैया, और बगल में किसी और का सामान है उससे हम किधर भी रख सकते हैं, हमारे में ऐड हो जाएगा ना, हमने बड़ा ये लिया है ना, क्या कहते हैं इसको, कैबिनेट। इसमें SSD हमने 1 TB का सैमसंग का SSD लिया है, SD980, और 4 TB का वेस्टर्न डिजिटल का नॉर्मल स्टोरेज जिसमें अपने सारे प्रोग्राम्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आएंगी, तो 5 TB काफ़ी है, मोर देन सफिशेंट है। एक एक्स्ट्रा फ़ैन भी ले लिया है, ये फ़ैन अपने को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, आई थिंक 800 रुपये का था ये फ़ैन, RGB फ़ैन है, जो उसमें फ़ैन है वो ऑलरेडी है। ये क्या है? अच्छा ये DDR5, ये हम पहले DDR4 देख रहे थे, फिर हमने DDR5 32 GB। भाई ये रहा अपना, ये अपना गीगाबाइट का 3060, इसमें एक और ऑप्शन था 3060 Ti लिया हमने, और बाकी बहुत सारी चीज़ें यार, इतनी तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रही जितना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा एक्ट कर रहा हूँ ना कि ये सारी चीज़ें तो मेरा डेली का काम है, डेली लेता रहता था, जैसे मुझे घंटा नहीं आइडिया था यहाँ, एक एक चीज़ पूछ के लिए मैंने। ये अपना रेडी हो जाएगा 1 घंटे में, तब तक अपनी एक मीटिंग है तो वो करके आएंगे, नीचे 1-2 स्टैम्प बनवाने, ठीक है भैया,
सारे नट टाइट कर देना ना, अगली बार खोलने वाले साला काटना ही पड़े नट। तो भाई के पीछे अपन चलेंगे और भाई का गाड़ी का नंबर देखो 0303। हाँ, ये भाई ने 0303 नंबर लिया। ये भी 25,000 का नंबर है, दिल्ली का नंबर भी उतना ही है। मतलब आई थिंक नॉर्थ में ना, हम वही बात कर रहे थे कि नॉर्थ में ना नंबर का थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है, अदरवाइज बाहर साउथ या वेस्ट में तो नंबर की कोई पूछ नहीं है भाई। 000 रहे, 03, मतलब कोई भी यूनिक नंबर था उसकी ज़्यादा पूछ नहीं है। बाकी अपना काम तो यहाँ से हो गया, जो इस चीज़ के लिए आए थे आज ही ले लिया। मैंने सामान लेके आया था, मैंने कहा भैया ले ही लो, अभी वो असेंबल हो रहा है, तक अपन जा रहे एक दूसरी जगह, यहाँ से जा रहे GK। और ये देखो ये पसीना पता है क्या है, अभी इधर खा लिया समोसा। भाई जब हमने समोसा पूछा ना, भैया ने कहा कि भैया समोसा है, हाँ बहुत है, ऐसा करके भैया ने बोला। फिर हमें पता कहाँ है, तो कह रहे निकल रहा है। भाई वो समोसा नहीं था साला, उसमें से ज्वालामुखी फूट रहा है। भाई इतना गर्म समोसा कौन बनाता है? मैं सच्ची बता रहा हूँ, दो समोसा लिया था, एक खाया होगा अच्छे से, आलू तो खा ही नहीं पाया साला, आलू में से तो वेल्कनो इरप्शन हो रहा है, जीभ और जल गया यार। सालों बाद मैं इस मार्केट में आ रहा हूँ ना, इतने सालों बाद। पहले अपना ना ICICI बैंक में हुआ करता था, ये वाला नहीं, ICICI वेल्थ में। तो इधर ना GK में अपनी ना एक ब्रांच हुआ करती थी, कभी कभी तब आता था और फिर ऐसे पार्टी वार्टी करने। भाई GK मतलब पता नहीं कितने सालों बाद, मैं तो गिन भी नहीं सकता ना। वहाँ पे अपना जो काम था वो तो हो गया, अब यहाँ से सीधे जाते हैं नेहरू प्लेस, भैया को फ़ोन कर देते हैं, ताकि भैया ने कहा था कि गाड़ी में ही सामान सारा ना लोड करवा देंगे। तो अभी बस लैपटॉप तो अपना ही, सॉरी डेस्कटॉप तो अपना पूरा रेडी हो गया, बस उसका मॉनिटर है। मॉनिटर वहाँ पे मुझे समझ भी नहीं आया, तो मॉनिटर के लिए अभी चेक करेंगे कि कहाँ से क्या कर सकते हैं। पेड़ के नीचे, भाई पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है ना, आज पता चल रहा है। वैसे तो मैं रुमाल हाथ में लेके हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बट अभी तो वेट करना है तो करना है। बाकी अपना सिस्टम पूरा रेडी हो गया है, इस पार्किंग में भैया भेज देंगे सारे डिब्बे विब्बे जितने भी, अपने डिक्की में डालेंगे और यहाँ से सीधे घर। बाकी रचित भाई थैंक यू, ठीक है, रचित भाई ने आज बहुत हेल्प किया, पूरा दिन मेरे साथ थे। जो अपना ये काम था और एक और छोटा सा काम था, वो दोनों हमने कर लिया। वो भैया दिख रहे हैं, वो ये आ रहे जी अपना सिस्टम लेके, हाँ एकदम सिस्टम सेट करने। मेरा वाला है, मेरा वाला है, BMW नहीं, ये तो ये है, ये BMW है। हाँ जा रहे हैं, रुका रहूँ क्या? ये देखो ये पीछे सीट पे, इसको मस्त सीट बेल्ट लगा दिया है। भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस रियली बहुत कम है यार, पीछे ना एक बम्पर टाइप का था ऐसा, भाई टच हो गई नीचे से ना, टच हो गई। मैं जबकि इतने धीरे निकाल रहा था, बहुत धीरे निकाल रहा था, बट फिर भी टच हो गई। चलो भाई यहाँ से चले, अब यहाँ से लगेगा 1 घंटे 8 मिनट, हाँ 28 किलोमीटर, 1 घंटे 8 मिनट, भग लो, टच हो गई यार। बुरा लग रहा है ना अभी, अभी अभी बुरा लग रहा है। तो लेके जा ही नहीं सकते, ग्रिप ही नहीं आ रहा भाई। हाँ बस छोटा सा, ज्यादा नहीं देना ना, हाँ बस इतना ही, दाल चावल एंड भुजिया ना। तो घर आ गए वापस से, अभी लंच करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना वो समोसा खाया था ना जो आग उगलता था, नहीं सॉरी क्या, वेल्कनो इरप्शन क्या कहते हैं भैया, ज्वालामुखी वाला समोसा, हाँ ज्वालामुखी वाला समोसा। बाकी सरप्राइज ये है कि कल अपन जा रहे हैं एक छोटे से रोड ट्रिप पे, रोड ट्रिप पे यहाँ से मतलब दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 किलोमीटर होगा, बस छोटा सा रोड ट्रिप है, एक छोटा सा काम है, वो तो आपके कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा। बाकी ये ब्लॉग अच्छा लगता है बड़े थम्स अप चैनल पे ना, तो डू सब्सक्राइब टू चैनल। जिनको भी थोड़ा सा आइडिया है ना इन सब चीज़ों का, मतलब ये लैपटॉप का, ये जो भी आज हमने ताम झाम करवाया ना, तो भैया बताना कि ये सिस्टम कैसा है, काम करेगा कि नहीं करेगा। अपनी तरफ से हमने अपने बजट में रह के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खोजी और लगवाई, बाकी तो आप ही बता सकते हो कि भैया इसका मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। प्लस एक और सिस्टम लेंगे, वो इससे हैवी लेंगे, इससे हैवी, ये अपने को 1.5-1.5 लाख रुपए का पड़ा, मतलब सारा चीज़ मॉनिटर वॉनिटर लेके 1.5-1.5 लाख रुपए का पड़ेगा, वो लेंगे एकदम 1.5 करोड़ का, यहाँ से सीधे नासा के सैटेलाइट को कंट्रोल करें जो। बाकी तो मजाक है, अभी काम करते अपना और व्लॉग को करते ख़त्म।